था आजाद है आजाद रहेगा। जनाब सदर मौजूद साथ कराम और मेरे हमसर साथियों अस्सलाम वालेकुम। मेरा आज का मौजू है 14 अगस्त और आजादी की अहमियत। जनाबे वाला ये वो मंजर है कि जब काम पाकिस्तान का ऐलान हुआ कि वो शाम कि जब मासूम बच्चों की चीखें और आहें थी कि वो शाम कि जब माओ की गोदें उजड़ रही थी कि वो शाम कि जब आजादी के मतवाले ला इलाहा इल्लल्लाह का नारा लगा के अपनी जानों का नजराना पेश कर रहे थे। अली मुकान मैं फिर भी ना उम्मीद ना हुआ क्योंकि मुझे उम्मीद थी कि सुबह मुझे नई क़यादत मिलेगी, इकबाल का ख्वाब मिलेगा, हाल की पहचान मिलेगी, सर सैयद की तहरीक मिलेगी और चौधरी रहमत अली की शान मिलेगी। अली मुकान क्योंकि मौजू को इज़्ज़त देने वाला, मछली के पेट में पैगंबर को जिंदा रखने वाला, मूसा को फिरौन से बचाने वाला, रात को दिन में बदलने वाला मौजूद है। रास्ता नहीं मिलता, मुजमिल अंधेरा है, बर्फ के पिघलने में फटने का वक्फा है, इसके बाद सूरज को निकलने से कौन रोक सकता है। अली मुकान ये वही सूरज है जो अपने 14 अगस्त को आजादी की सूरत में उभरता देखा। ये उभरता सूरज इस्तियारा था अपने पैरों पर खड़े होने का, ये उभरता सूरज इस्तियारा था मानिंद खुर्शीद जुल्मत से लड़ मिटने का, ये उभरता सूरज इस्तियारा था शब तहजूर के कट जाने का, इस बात के अहम का कि गुलाम मिटने गुलाम नहीं बनना, गुलामी की जंजीरों को तोड़कर ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पर अपना आजाद वतन हासिल करना। आले वकार आज ये वतन अजीज हमसे अपनी इज्जत वकार और हिफाजत का तकाजा करता है। आले वकार पांच दरियाओं का पानी हमारे पास, हिमालय की चोटी हमारे पास, अरफा करीम और सबीना बेग अली मुई नवाजिश और हकीम सईद जैसे जवाहर हमारे पास, तो क्यों ना हम अपने बुजुर्गों की विरासत को संभाल कर रखें, क्यों ना हम उनके मेहनत पसीने की कमाई को जिदायगा जाने दें। आले वकार आए हम अपनी मेहनत को अपना हथियार बनाते हैं, खुद ही को अपना शौर बनाते हैं और इस मुल्क को सीधे रास्ता दिखाते हैं। आले वकार मेरे कारमा तुम हो, हुए कारमा तुम हो, हम तो सिर्फ उन्मा थे असल दास्तां तुम हो। मेरी ये दुआ है खुदा करे कि मेरी अर्ज पाक पर उतरे वो फसल गुल जिसे अंदेशा जवाल न हो, यहाँ जो फूल खिले वो खिला रहे बरसों, यहाँ खजा को भी गुजरने की मजाल हो। शुक्रिया।